नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर ऑल ऑफ दीज नाउ इसका आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिकॉज यहाँ पे फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन की जो हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को आपको डायरेक्शन चेंज करना हो या किसी बॉडी का कॉन्स्टेंट uh, वेलोसिटी से उसे रोकना हो या उसे वेलासिटी बढ़ानी हो या कम करनी हो रेस्ट वाले को वो करना हो उन सब केसेज में हम कहते हैं फोर्स के रिक्वायरमेंट है सो so, ये आपकी सारी बातें होती हैं फर्स्ट लॉ के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ फोर्स वो हमारी फर्स्ट लॉ से uh, uh, साबित होता है सेकंड लॉ में हम कहते हैं फोर्स मोमेंटम से कैसे लिंक्ड है थर्ड लॉ हम कहते हैं कि फोर्स कैन नॉट और डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फोर्स का एक एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा ही होगा बट इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स फर्स्ट लॉ का काम है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वुड बी द राइट आंसर